हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अक्षय कुमार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसा एक सर्किट बनाने वाले हैं जिससे आप हेलीकॉप्टर की मतलब है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो या उससे वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाएगी बेसिकली। और जैसे ड्रिल मशीन हुई या फिर बल्ब हुआ या फिर आपकी सोल्डरिंग मशीन हुई। तो दोस्तों, ये वो सर्किट है, आप देख सकते हैं जिसमें कि फैन का रेगुलेटर और एक स्विच और एक डीसी सॉकेट यूज़ हुआ है। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए आपको कुछ MDF बोर्ड की पीस चाहिए। आगे का पीस है और ये पीछे का, और ये इसके दो साइड के, और ये भी दो साइड के, और एक फैन का रेगुलेटर चाहिए होगा आपको। और दोस्तों एक ज़रूरत होगी सॉकेट की 5 पिन, और एक स्विच जो कि 6 एम्पियर का है, और दोस्तों एक वायर जो कि 1.5 mm की है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये सारी चीज़ें इसके अंदर जोड़ लेनी होगी, और एक स्विच। सबसे पहले यहाँ पर हमें इसके स्क्रू लगा देने होंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसके सारे स्क्रू लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं, और पीछे से ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो दोस्तों, अब इसके सारे वायर आपस में जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अब फैन के रेगुलेटर का एक वायर किसी भी पिन में जोड़ लेना होगा। मैं ऊपर वाले पिन में जोड़ देता हूँ। और फिर ये वाला वायर इससे जोड़ लेना होगा। तो दोस्तों, मैंने इसकी एक वायर इसमें जोड़ लेनी है। अब यहाँ से और इस वाली वायर से फ़ैन के रेगुलेटर से हमें 220 वोल्ट की सप्लाई के लिए दो वायर जोड़ लेने होंगे। दोस्तों, यहाँ पर इसके सारे कनेक्शन हो गए। अब इसके साइड में MDF बोर्ड लगा लेते हैं, ये इधर और ये वाला इधर। दोस्तों, मैंने सारी तरफ पीसेस लगा लिए है। अब बस इसमें लास्ट एक होल करना है, जिससे भी आपका मन करे पेचकस के चाकू से या ड्रिल मशीन से। मैं तो पेचकस से होल करने वाला हूँ, क्योंकि हाथों में कुछ ज़्यादा जान है, पहले ही बताई थी। एक यहाँ और एक और कर लेते हैं, या फिर इसके साइड में कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा फिनिश हो गया है। देखिए, वायर भी दो निकाल लिया। अब बस इसमें थोड़ी फिनिशिंग देनी है। तो यहाँ पर फिनिशिंग के लिए मैं इस पर कलर करवाने वाला हूँ एक से। दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारे वायर जोड़ लिए हैं। इन दो वायर से मैंने 220 वोल्ट की सप्लाई दे दी, और यहाँ से ले लिया इसका आउटपुट। अब इसे बल्ब से एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सोल्डरिंग आयरन से मैं इसलिए टेस्ट करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसका तो कुछ पता ही नहीं चलने का कि कितना गर्म हो रही है, क्योंकि मेरे पास उसका टेम्परेचर निकालने वाली मशीन नहीं है। देखिए, पहले लगाया तेज और तेज और तेज और तेज और तेज और तेज, बस। दोस्तों, अब एक बार ड्रिल मशीन पे भी चेक कर लेते हैं। ड्रिल मशीन पर भी ये परफेक्टली वर्क करेगा। आप अपनी ड्रिल मशीन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब कहने का सिंपल तरीका यह है जैसे मोटरसाइकिल की रेस कम ज़्यादा करते हैं। आप देख ही लीजिए। दोस्तों, बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है। अगर दोस्तों आप जैसे सोल्डरिंग मशीन लाते हो, तो उसमें वेरिएबल करंट वो हीट करने के लिए आपको उसके 400 रुपये में मिलती है। तो दोस्तों, 400 रुपये की ना ख़रीदने से बजाय आप ये करीब 80 रुपये में सर्किट बन जाता है, तो उसे तैयार कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों। जब तक के लिए दोस्तों घर पर रहे, स्वस्थ।